વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સુરત વલસાડ નવસારીમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તો અમરેલી ગીર સોમનાથ પોરબંદરમાં ભારે વરસાદ રહેશે. 9 ઓગસ્ટે બંગાળની ખાડીમાં બની રહ્યું છે લો પ્રેશર સિસ્ટમ. 9 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાશે તો અમદાવાદ ગાંધીનગર વડોદરામાં પણ સામાન્ય વરસાદની સંભાવના છે. માછીમારોને 2 દિવસ દરિયો ન ખેડવા પણ સૂચના અપાઈ છે. अभी हमारे स्टेट में 4-5-6 तारीख लास्ट 3 डेज में अच्छा बारिश हुआ है. मेनली फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है एंड सर्वत्रिक बारिश हुआ है, खास करके साउथ गुजरात, एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल गुजरात, देन नॉर्थ गुजरात में भी कल बारिश हुआ है एंड सौराष्ट्र कच्छ में तो हो ही रहा है. अभी ये जो लो प्रेशर एरिया जो है अभी वो वीक हो गया. ओके वीक होके अभी ओनली एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो है कच्छ एंड नेबरहुड में एक्सटेंडिंग अप टू 5.8 किलोमीटर ASL. तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो अभी ये लो प्रेशर वीक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इसके एसोसिएटेड जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 5.8 किलोमीटर तक है. इससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गुजरात रीजियन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिलेगा. आज भी सौराष्ट्र कच्छ में आज भी वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिलेगा. लास्ट 24 आवर्स में हमारे पूरा स्टेट में वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिला है एंड सौराष्ट्र में कुछ जगह में वेरी हैवी रेनफॉल हुआ है एंड बहुत सारे जगह में हैवी रेनफॉल हुआ है. गुजरात रीजियन में हैवी रेनफॉल हुआ है बहुत सारे जगह में. आज हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज भी वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है. ओके हैवी वेरी हैवी रेनफॉल का वेरी हैवी रेनफॉल गुजरात रीजियन में हम एक्सपेक्ट करेंगे. सूरत में होगा, नर्मदा में भी होगा. ओके एंड हैवी रेनफॉल दमन दादरा नगर हवेली वलसाड नवसारी देन योर भरूच देन योर छोटा उदयपुर एंड ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हैवी रेनफॉल होगा. बट वेरी हैवी रेनफॉल के लिए हमने सिर्फ सूरत एंड नर्मदा दिया है गुजरात रीजन में. एंड सौराष्ट्र में वेरी हैवी रेनफॉल हम जूनागढ़ को हम एक्सपेक्ट करेंगे एंड बाकी जो भावनगर अमरेली गिर सोमनाथ राजकोट इसमें हैवी रेनफॉल का एक्सपेक्टेशन